बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम नाजरीन, अपने घर में गुस्सा दिखाना कई मर्द अपनी शान समझते हैं। ऐसे मर्द ये बात खुशी और फख्र के साथ बताते हैं कि जब वो घर में दाखिल होते हैं तो उनके रौब की वजह से घर वाली सहम जाती है। शोर मचाते बच्चे चुप होकर अपने कमरों में दबक जाते हैं। इस्लामी तालीमात शोहर या वालिद को अपनी बीवी और बच्चों का एहतराम करने और उनके साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आने का दर्स देती है। अपने घर वालों पर या अपने मातहतों पर बात है, बात बात पर गुस्सा दिखाना और उनकी इज्जत का ख्याल ना करना कोई फख्र या शान वाली बात नहीं है, बल्कि ये नफ्स की कमी जोरी की इलामत है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हैं कि ताकतवर वो नहीं जो अपने मद मुकाबल पर काबू पा ले, बल्कि असल ताकतवर वो है जो अपने गुस्से पर काबू पाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले खाना के साथ नरमी और शफकत से पेश आने का हुक्म दिया है। बीवी शोहर की नस्बत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली होती है, उसके अंदर मोहब्बत का तलातम खैज समंदर ही है, जिसकी बिना पर नसल इंसानी की बका और नशोनुमा जारी है। अगर बीवी के साथ पूरी मोहब्बत की जाए और शोहर की तरफ से उसको ज़हनी सुकून मुयस्सर आ जाए तो माशरे की ज़्यादातर बुराइयां ख़त्म हो सकती हैं, जिसका असर बराह रास्त आने वाली नस्लों पर पड़ता है। शोहर के नारवा सलूक से निजात पाने के लिए इशा की नमाज के बाद बीवी अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ के साथ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह है अलवासेओ जल्ला जलालहू मुसल्ले पर बैठकर एक तस्बीह पढ़े और दुआ करे। अगर ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि शोहर तलाक देने पर आमादा हो या उसके अंदर बीवी को अलहदा करने की जिद पैदा हो जाए या बीवी को घर से निकाल दे और इंतकामन उसे घर ना बुलाए, तो बीवी को चाहिए कि रात को सोने से पहले बावजू मुसल्ले पर बैठकर 41 बार सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़कर बात किए बगैर बिस्तर में चली जाए और लेटकर आंखें बंद कर ले और अपने शोहर का तसव्वुर करते करते सो जाए। इस अमल की मुदत भी 90 दिन है। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।